नमस्कार दोस्तों, पिस्ता पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आपको बता दें कि 100 ग्राम पिस्ता में 10 ग्राम फाइबर, 20 ग्राम प्रोटीन और 1025 ग्राम पोटेशियम होते हैं। इसके अलावा पिस्ता में आयरन और विटामिन सी भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पिस्ता मैग्नीशियम और विटामिन B6 का भी अच्छा सोर्स है। पिस्ता खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। इतना ही नहीं, पिस्ता हॉट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना पिस्ता खाएंगे तो इससे हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत मिलेगी। आयरन की कमी पूरा करने के लिए भी आप पिस्ता का सेवन कर सकते हैं। दरअसल पिस्ता में आयरन अधिक होता है, जो खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। भूनकर खाएं पिस्ता। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप पिस्ता का सेवन भूनकर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पैन में 4-5 पिस्ता रोस्ट कर लें। आप इनका सेवन रोज शाम को स्नैक्स के रूप में कर सकते हैं। अगर आप रोजाना भूनकर पिस्ता खाएंगे तो इससे आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। पिस्ता खून की कमी और अनीमिया के लक्षणों को भी दूर करते हैं। खीर में डालकर खाएं पिस्ता। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो आप पिस्ता का सेवन खीर में डालकर भी सकते हैं। इसके लिए आप दूध में चावल डालकर पका लें, फिर इसमें बादाम, काजू और पिस्ता मिलाएं। अगर आप रोज सुबह नाश्ते में पिस्ते वाली खीर खाएंगे तो इससे आयरन की कमी दूर हो जाएगी। इससे आपको दूध के भी पोषक तत्व मिलेंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। दूध में उबालकर खाएं पिस्ता। शरीर में आयरन की कमी होने पर आप पिस्ता को दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास दूध में 4-5 पिस्ता डालें। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लें, फिर आप इस दूध को पी सकते हैं। आप पिस्ता वाले दूध का सेवन सुबह शाम के समय कर सकते हैं। अगर आप रोजाना पिस्ता का दूध पिएंगे तो इससे आयरन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और अनीमिया के लक्षणों से भी छुटकारा मिलेगा। भीगे हुए पिस्ता खाएं। अगर आपको दूध के साथ मिलाकर पिस्ता नहीं खाना है तो आप भीगे हुए पिस्ता खा सकते हैं। इसके लिए आप पानी में 5-6 पिस्ता रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इन पिस्ता का सेवन करें। रोज सुबह भीगे पिस्ता खाने से शरीर सभी पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में आयरन और प्रोटीन मिलेगी, जिससे आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा।